हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मैडम वेब से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। मैडम वेब की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आए दिन कोई ना कोई सेट इमेजेस हमारे सामने आती रहती है और मैं आपको सारे अपडेट प्रोवाइड करता रहता हूँ। बट आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैडम वेब में जो इम्पोर्टेंट एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं उनके रोल कन्फर्म हो चुके हैं। कॉस्मिक एक वेबसाइट है, उन्होंने ये चीज कन्फर्म कर दी है कि मूवी में जो एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं वो कौन कौन से रोल प्ले करने वाले हैं। बट बहुत सारी कास्ट लिस्ट लंबी थी तो मैंने सोचा कि सिर्फ आपको दो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में बताऊँ जो कि की रोल होने वाले हैं मूवी में, और उनके नाम सुनकर आप हैरान होने वाले हो। तो सबसे पहले डिकॉस्टा, जो कि मैडम वेब का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, ये पहले भी कंफर्मेशन हुआ था और अभी भी कंफर्मेशन कर ही रहा हूँ। बट अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है वो है भाई अंकल बेन का। हमने स्पाइडरमैन 1, 2, 3 या दमी स्पाइडरमैन में देखा था, जो कि डिलीट सीन था, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, ठीक है। और उसके बाद टॉम होलैंड वाले तो अंकल बेन हमें देखने को नहीं मिले, बट फाइनली मैडम वेब में यंग हमें अंकल बेन देखने को मिलेंगे, जिनका रोल प्ले कर रहे हैं एडम स्कॉट। और एडम स्कॉट को यंग लेने का मतलब अंकल बेन के रोल के लिए मुझे लगता है कि बहुत लंबा फ्यूचर सोच रखा है सोनी वालों ने, और लिटरली ये भाई कमाल का होने वाला है। उसी के साथ जो दूसरा है इम्पोर्टेंट चीज कि अंकल बेन का एक भाई भी था, ठीक है, रिचर्ड पार्कर, जो कि पीटर पार्कर के फादर थे, और उन्होंने शादी करी थी मैरी पार्कर से, ठीक है, और दोनों में प्यार हुआ तो तब एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था पीटर पार्कर, और दोनों मारे गए थे, ठीक है, एक हवाई हादसे में, जो कि हमें द अमेजिंग स्पाइडरमैन देखने को स्टोरी मिली। टॉम हॉलैंड का तो अता ही पता नहीं है कि उनकी क्या स्टोरी रही, और स्पाइडरमैन का देखा जाए स्टोरी तो वो अलग थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि मैरी पार्कर का रोल प्ले कर रही है एमा जी, और वो प्रेग्नेंट भी है और उनके पेट में पीटर पार्कर भी है जी हाँ। और सेट इमेजेस से ये चीज पहले ही कंफर्म हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो अगर एक्चुअल में मैरी पार्कर का रोल प्ले कर रही है एमा और अंकल बेन का रोल प्ले कर रहे हैं एडम स्कॉट, तो आप खुद सोचिए कि ये मूवी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है स्पाइडरमैन के लिए और स्पाइडरमैन यूनिवर्स के लिए, और आप खुद अंदाजा लगा लो। और मेरे को ये चीज जब चीज पता चली कि भाई ऐसे ऐसे पीटर पार्कर हमें पेट में भी दिखाया जाएगा, मतलब इतनी स्टार्टिंग से स्टोरी दिखाई जाएगी, लिटरली मजा आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरी थ्योरी भी आती है। अब पीटर पार्कर एक्चुअली एमसीयू वाला जो टॉम हॉलैंड वाला पीटर पार्कर है वो पैदा हुआ था साल 2001 में, तो ऐसे करके पीटर पार्कर अराउंड शायद 22 साल का हो चुका है। तो अगर पीटर पार्कर वही है जो कि 2000 में ये मूवी बन रही है टाइमलाइन के अनुसार, तो शायद मे बी ये टॉम हॉलैंड हो सकता है। बाकी आपका क्या मानना है, आपकी थ्योरी क्या कहती है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।